हेलो स्टूडेंट्स, यू वाचिंग इजी मैक फॉर यू। और आज हम लोग हीट एक्सचेंजर पर इफेक्टिवनेस पर बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इफेक्टिवनेस पर ही क्लियर करेंगे, एनटीयू मेथड नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली बना देंगे, क्योंकि इस इफेक्टिवनेस और एनटीयू इंपॉर्टेंट टर्म है, तो एक साथ समझाने से अच्छा है कि अलग अलग टर्म में इसको अच्छा से एक्सप्लेन कर सकें। तो इफेक्टिवनेस पर आज पर वीडियो कर रहे हैं, तो बात करते हैं इफेक्टिव नेस। ओके, सारे टर्म्स क्लियर होगा, वीडियो लास्ट इन तक देखिएगा। इफेक्टिवनेस है क्या? तो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर मतलब इसकी एक रेशियो है, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, क्यू बाई क्यू मैक्स। ओके, तो क्यू क्या है? एक्चुअल हीट ट्रांसफर, और क्यू मैक्स क्या है? थ्योरेटिकल चाहे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। ओके, तो देखिए, जैसे कि नाम से लग रहा है कि जैसे कि हीट एक्सचेंज होता है, दो पाइप से वाटर फ्लो करवा रहे हैं, तो जो हीट एक्सचेंज करेगा रियलिटी में वो एक्चुअल हीट ट्रांसफर हो गया। और थ्योरेटिकल मतलब क्या, जब उसको कैलकुलेट करके हम फाइंड कर रहे हैं, वो कंडीशन हो गया थ्योरेटिकल। तो क्यू एक्चुअल हमेशा क्या कहते हैं, कम होगा, क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस भी होगी, इसलिए हीट ट्रांसफर थोड़ा कम होगा और इसमें हीट ट्रांसफर ज़्यादा, क्योंकि हम थ्योरेटिकल फाइंड कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं क्यू इक्वल टू होता है एम डॉट एच सी पी एच टी एच वन माइनस टी एच टू, और ये हॉट फ्लूड के लिए हो गया और कोल्ड फ्लूड के लिए हो गया, ये हो गया कोल्ड फ्लूड के लिए, बात क्लियर हो गया। अब देखिए एम डॉट एस सी पी एच और एम डॉट सी सी पी सी को हम लिखते हैं एम डॉट एस सी पी एच इक्वल टू सी एच, और एम डॉट सी सी पी सी को हम लिखेंगे सी सी, क्लियर हो गया। ओके, इसको हम लोग कहते हैं सी एच को हॉट फ्लूड कैपेसिटी रेट, और इसको लिखेंगे हम लोग कोल्ड फ्लूड कैपेसिटी रेट। ठीक, तो ये आपका क्यू का वैल्यू हो गया। और क्यू मैक्स क्या होगा? सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन, ये आपका होगा क्यू मैक्स। अब देखते हैं क्यू मैक्स कैसे आई है, क्यू मैक्सिमम कैसे हुआ। तो देखिए, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें से वाटर फ्लो करेगा, तो उस टाइम एक ग्राफ बना लेते हैं, टेम्परेचर वर्सेस लेंथ ग्राफ। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है, टी एच वन हॉट फ्लूड है, ये कोल्ड फ्लूड है। जब दोनों ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर, हॉट फ्लूड का टेम्परेचर कम होगा और कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्या हो गया टी टी एस टू, और ये हो गया टी सी टू। ओके, तो देखिए मैक्सिमम कब हीट ट्रांसफर होगा, हम क्या कि इसका डिफरेंस निकाल लिए, थीटा इसको बोलते हैं, मतलब सी मीन थीटा क्यू मैक्स इक्वल टू। ओके, तो ये क्या हो गया, थीटा निकाली, मतलब कि टी एच वन कितना हीट ट्रांसफर। देखिए इसमें क्या था, टी एच वन माइनस टी एच टू था, या टी एच वन कंप्लीट, इससे डिफरेंसेस निकाली जो मैक्सिमम होगा हमेशा। ठीक है, ज़्यादा क्या होगा, टी एच वन माइनस टी सी वन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसके कारण इसका क्यू मैक्स हो जाएगा। अब सी मिनिमम है क्या? ओके, देखिए सी मिनिमम समझते हैं। सपोज करिए सी एच लेस देन है सी सी से, तब क्या होगा कि आपका सी एच सी मिनिमम हो जाएगा। समझ आया? फिर से देखिए, जब सी सी लेस देन होगा सी एच से, तब सी 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 मिनिमम हो जाएगा। मतलब ऐसा केस जिसमें सी एच कम आए सी सी की तुलना में, तो सी एच सी मिनिमम हो जाएगा। ऐसा केस जब सी सी कम हो सी एच से, तो सी 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 मिनिमम हो जाएगा। ओके, तो हम उसमें चेक कर लेंगे, उसके बाद पता कर लेंगे सी मिनिमम कौन है, वही रख लेंगे,
इसे यहाँ पर अगर सी एच सबसे कम था तो सी एच हो जाएगा टी एच वन माइनस टी सी वन। ओके क्लियर हो गया। ठीक है आगे का टर्म एक और देखते हैं कि हॉट फ्लूड का जब कंडीशन हो, हॉट फ्लूड का इफेक्टिवनेस निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा सी एच टी एच वन माइनस टी एच टू, ये आपका क्यू क्यू हो गया और क्यू मैक्स क्या होगा सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन। ओके और कोल्ड फ्लूड का देखेंगे तो सी सी टी सी टू माइनस टी सी वन, ज्यादा से कम ज्यादा से कम, क्योंकि टी एच वन ज्यादा था यहाँ टी सी टू ज्यादा है टी सी वन से, तो ज्यादा से कम और यहाँ क्या हो जाएगा सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन। ओके क्लियर हो गया। अब देखिए जैसा कि हम अभी बात किए हैं, अगर सपोज करिए कि सी एच कम है सी सी से तो सी एच क्या हो गया सी मिनिमम हो गया, तो ऐसा केस में क्या हो जाएगा ये भी सी मिनिमम हो जाएगा सी एच और टी एच वन माइनस टी एच टू सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन कट गया, बचेगा टी एच वन माइनस टी एच टू और ये क्या हो जाएगा टी एच वन माइनस टी सी वन, ये आपका इफेक्टिवनेस हो गया। सेम इसी तरह का सी मिनिमम के बराबर हो गया सी सी, तो टी सी टू माइनस टी सी वन और टी एच वन माइनस टी सी वन, बात क्लियर हो गया। तो बस यही था इफेक्टिवनेस, नेक्स्ट वीडियो हम लोग एनटीओ देखेंगे। ओके उसके बाद हमारा हीट एक्सचेंजर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये सब्सक्राइब कर दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।